वाहिगुरु साहिब जी मलार महला पंजवा खीर अधार बारिक जब होता बिन खीरे रहन न जाई सार समाल माता मुख नीरे तब ओह तृप्त अगाई खीर अधार बारिक जब होता बिन खीरे रहन न जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओह तृप्त अगाई हम बारक पिता प्रभ दाता उलहें बारक अनक लख बरिया अनठौर नाहीं जह जाता रहाओ चंचल मत बारिक बपरे की सर्प अग्न कर मेले मात पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारिक भूख कैसी नवनिद नाम निधान ग्रह तेरे मन बांछे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसह गुर चरण पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी बारिक मुख मांगे सो दीना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसह नित चरना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर शत्र तख दे मालक सतगुरु जुगो जुग अटल जहरा जहूर अते हाजरा हजूर सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभायमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा सतसंगत जीओ अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार प्रसन्न का सुभाग प्राप्त होया है। गुरु की पावन गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी माण रहे सी वडभागी हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की विचार जो आप जी हर रोज़ सुनते हो उस दे नाल संबंधित गुरु के ये पावन बचन मलार राग विचों आप जी ने सरवण किए ने। अज दा ये पवित्र मुख वाक धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज का बख्शिश किया होया है जिस अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस जीव दे प्रति उस परमात्मा दा जो रिश्ता है उस दी गल कीती है। गुरबाणी विच परमात्मा नू किते गोपाल गोबिंद उसनू परमेसर कह के उसनू जगत दा रखियक कह के और बेअंत कर्मनामा दे नाल संबोधन किया गया है। उत्थे सतगुरु जी कहिंदे उह परमात्मा साडा माता पिता है। दुनियावी तौर पर माता पिता जिवें बच्चे नू जन्म दे के उहदी पालना पोषण करदे ने उहदी देख रेख करदे ने। हो सकदा है कि दुनियावी जो माँ प्यो ने वो पूर्ण तौर पर माँ प्यो दा फर्ज अदा ना कर सकन जिन्ना वड्डा फर्ज परमात्मा अदा करदा है। परमात्मा जन्म भी दिंदा है परमात्मा ने यह धरती बनाई है मनुख दे लई बेअंत सुख बनाए ने पर मनुख नू जिन्ना कु ज्ञान है परमात्मा दे प्रथाए उह जे ही परमात्मा नू समझ बैठदा है। जिन्नी जिन्नी सोझी है मनुख नू उदां दा उन्हें परमात्मा दे नाल रिश्ता जोड़िया होया है।
कोई कहिंदा है कि परमात्मा साडा फादर है, पिता है, उन्हों पिता कह के चेते करता है। कईयां ने परमात्मा नूं मां किया है, वो मां करके परमात्मा नूं चेते करते ने, रब्बी शक्ति नूं मां करके पूजते ने। कोई उसनूं मित्र, कोई उसनूं राजा कह के संबोधन करता है। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी जदों असीं पढ़दे हाँ, सतगुरु जी ने सारे रिश्ते परमात्मा दे नाल जोड़ लिए। असीं गुरु का एक पवित्र बच पढ़ते, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां पौ केहा काढ़ा जियो। कि वाहिगुरु जी तुसी ही मेरे माँ हो, प्यो हो, रिश्तेदार हो, भैन हो, भरा हो, मेरे राजे हो, मित्र हो, तुसी रखवाले, तुसी मेरे हो। गुरबाणी साढ़े अंदर एक ज्ञान पैदा करती है कि मनुख की प्रतिपालना करने वाला परमात्मा है। इस धरती ते वर्तना ते उही कुछ है जो परमात्मा की मौज है, पर मनुख नूं उहदे बारे ज्ञान किन्ना कु है, उहदे चों मनुख दे सुख दुख जिहड़े पैदा हुंदे ने। जिहड़ा परमात्मा की इस रजा नूं समझ ले, वह सदा आनंद च रहिंदा है। नहीं तो मनुख दुनियावी उतरा चढ़ा देख के कित खुश हो जाता है, कित दुखी हो जाता है। सतगुरु साहब जी ने परमात्मा के प्रति जो साडा रिश्ता है उसनों माँ प्यो दस के, सानू बच्चे दस के, ये गल की कि जिदा पिता परमात्मा वर्गा होनू भुख किस गल की है। कई थावां ते सतगुरु जी ने परमात्मा दे नाल रिश्ते की गल की, पिता हमारो बड गोसाई, साडा वो पिता जिहड़ा ना वो बड़ा वड्डा है, वह सारी पृथ्वी का मालिक है। तो सतगुरु जी कहिंदे जिस मनुख जिहड़ा है ना, मनुख की मत बालक वाली है। जिवें बालक जिहड़ा है ना, वह हमेशा ही बाहर नूं भजदा है। बालक दे कोल ज्ञान नहीं है, वह अग च भी हथ पा सकदा उहनूं खिडौना समझ के। बालक दे कोल सूझ बूझ नहीं है, वह सप्प नूं भी खिडौना समझ सकता है, लेकिन माँ प्यो की रक्षा करते हैं। भाई गुरदास जी ने एक थान पर बड़े प्यारे बचन कहे कि परमात्मा तो गुरु किवें सानू बचाते हैं, किवें साढ़े अवगुणा नू माफ करते हैं। भाई गुरदास जी ने एक बचन कहा कि जिवें बच्चा एक खेड रहा है वेहड़े के अंदर, बच्चा खेडता खेडता घर च कित सप्प निकल आया, बच्चा उस सप्प नू ही खिडौना समझ के फड़न वल तुर पैंदा। बच्चा है उन्हूं पता नहीं है, पर जिहड़ी सियाणी मां हुंदी है ना, वह रौला नहीं पाउंदी। सियाणी मां सहज दे नाल दब्बे जे पैरी जाके उस बच्चे नूं चुक के गल नाल लगा लैंदी है, बच्चे नूं उस खतरे तो बचा लैंदी है। वह बच्चे नूं कोई मारदी नहीं है, झिड़कदी नहीं है, बच्चे नूं तो ज्ञान ही नहीं है। एक डाक्टर हुंदा जां वैद हुंदा, मरीज उहदे कोल आउंदा। हुण मरीज रोगी जिहड़ा है ना, वो रोगी इस करके होया कि उन्हों अपने शरीर के बारे कित ज्ञान नहीं। रोग कदों पैदा होंगे ने, जो असी शरीर का ख्याल नहीं रखते, रोग बिना वजह नहीं पैदा होंगे कि खा मखाई रोग पैदा होंगे ने। जो असी शरीर के खाण पीण वालों लापरवाही करते हाँ, साडे शरीर का ठीक पालन पोषण नहीं होंगे, रोग उदों पैदा होंगे ने। गुरु की बाणी का निर्णय, खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਗ ਦੇ ਪਰਛਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो जे आप देखते हाँ कि यहोजे डॉक्टर मिल जाए जे पहला ही डरा देंगे, रोग है नहीं पर डरा पहला देंगे, क्योंकि अजकल ये धंधा बन गया जेडे मेडिकल लाइन है। ये यहोजे डॉक्टर भी आ गए ने जिन्हों का काम सिर्फ पैसे कमाने, थोड़े जे रोग नूं बहुता बना के झट सोचणगे ऑपरेशन हो जाए चार पैसे आ जाण। पर भाई साहब जी कहिंदे कि सियाणा डॉक्टर रोग दे प्रथाए भावें खतरनाक होए, रोगी नूं बहुता विस्थार ना दस दे, सगों दवाई खवा खवा के समझा के उन्हूं रोग तो मुक्त कर दिंदे। जिवें एक बच्चा है, विद्यार्थी है, वह पढ़ता है,
ਸਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਦੇ ਝਿੜਕਣ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਰ ਗਹਿਤ ਸਰਪ ਸੁੱਤ ਪੇਖ ਮਾਤਾ ਕਹੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਫੁਸਲਾਏ ਔਰ ਮੰਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਸੱਪ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਸਗੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵੈਦ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੇ ਨਾ ਬਿਥਾਰ ਬਿਰਥਾ ਖੁਆਏ ਕੇ ਔਖਦ ਸੰਜਮ ਰੋਗ ਡੰਡ ਸੰਜਮ ਕਹਿ ਖੁਆਏ ਔਖਦ ਰੋਗ ਡੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ਚਟੀਆ ਕੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਂਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਪੇਖ ਔਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ ਅਨੇਕਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੈ ਪਿਓ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਲਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੀਰ ਅਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨ ਖੀਰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 1266 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਕਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਹਮ ਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪੂਲੇ ਬਾਰਕ ਅਨਕ ਲੱਖ ਬਰੀਆ ਅਨ ਠੌਰ ਨਾਹੀਂ ਜੈ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨ ਠੌਰ ਨਾਹੀਂ ਜੈ ਜਾਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏ ਤਾਕਤ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਖਿਮਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿਮਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਵੇਂ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਵਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈ ਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਠਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇਹ ਦਾਨ। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਕਿ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਭਾਰ, ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੇ, ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂਮਨ ਨਾਗ ਨਰਾਦ, ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਰ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ, ਬਿਨ ਖੀਰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਤਬ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿਉ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦਿਉ, ਬੱਚਾ ਵਗਾਹ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਏ, ਬੱਚਾ ਝੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਬ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
गुरबाणी में सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक थान ते बचन के राजन में राजा उरझायो, मानन में अवमानी, लोभन में लोभी लोभायो, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी, हर जन को यह सुहावै, पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै, अमलन स्यो अमली लोभायो, पूमन पू प्यारी, खीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। सतगुरु जी कहते जिवें राजा राजनीति दे बारे सोचता रहिंदा, उहदे च उलझिया रहिंदा है। एक अहंकारी बंदा अपने अहंकार नूं वधाउण दे लई स्कीमां जिहियां बणाउंदा रहिंदा है। बिल्कुल इस तरीके नाल जिवें एक जिमीदार जमीन वाला, उहनूं जमीन ही प्यारी लगती है। जिवें एक अमली है, उहनूं तो नशा ही प्यारा लगता, नशे तों बिना होर कोई चंगी चीज़ लगती नहीं उहनूं। बच्चा जिहड़ा है उहनूं माँ का दुध ही चंगा लगता है, माँ के दुध तों बिना उह तृप्त नहीं हुंदा। इदां रब दे प्यारियां दा परमात्मा नाल प्यार है। बच्चा माँ के दुध के आसरे ते रहिंदा है, रोए माँ उहनूं संभालदी, दुध पिउंदी, चुप कर जांदा है। परमात्मा के प्यारे भी जिहड़े उह परमात्मा के आसरे ते रहिंदे ने, और परमात्मा उहनां दी संभाल करदा है। परमात्मा की कृपा सदका ही उह जीउंदे ने। पर सतगुरु साहब जी कहिंदे कि बच्चे का सुभाव की है कि अनक हम बारक पिता प्रभदाता, भूल है बारक अनक लख बरिया, अन ठौर नाहीं जय जाता। असी बच्चे हाँ, परमात्मा साडा मालक है, पिता है, दाता है। ये बच्चे भुलां करते रहिंदे ने, परमात्मा तो बिना भुलां नूं बख्शन वाला कोई नहीं है। बच्चा की भुलां करदा? सतगुरु साहब जी कहिंदे रहाओ चंचल मत, बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै। ये जिहड़ा बच्चा है ना विचारा, ये जीव, इहदी मत है चंचल। चंचल दा अर्थ हुंदा कि टिका नहीं आउणा, चुलबुली जी मत जिहड़ी है। बच्चे दी मत चंचल है, सर्प अगन कर मेलै। सर्प कहिंदे सप नूं। बच्चा ते जिहड़ा उह सप नूं वी हथ पा लैंदा है। बच्चे नूं सप बारे ज्ञान नहीं है। बच्चा सप नूं खड़ौना समझ के फड़न लग पैंदा है। बच्चा अग दे विच हाथ पा लैंदा है। बच्चा अग नूं वी कई वारी खड़ौना समझ पैंदा है। हुण तां भावें आपां देखदे हां घरां दे विच रसोईयां दे विच अग बालण दे साधन नवें नवें आ गए, पर कदी चुल्हियां 'च अग बालदे सी, अग दे अंगार हुंदे सी। मां चौंकी 'च बैठी रोटी पानी पका रही है, बच्चा कोल बैठा है, खेडदिआं खेडदिआं बच्चे दी नज़र पैंदी है। वह एक भख दे जे लाल जे सुरख जे अंगियार नूं कहिंदा माँ ये खड़ौने, माँ उहनूं रोकदी है, और बच्चा फिर खड़ौने नूं फड़न लगता है। वार वार माँ रोकदी, बच्चा नहीं हटदा, माँ झिड़क भी दिंदी, कई वारी चपेड़ भी मार दिंदी है। पर वह चपेड़ मारना जिहड़ा है ना, वह माँ की कोई क्रोपी नहीं है, वह कोई जुल्म नहीं है, उहदे विच भी दया भरी पई है। इदां असी कई वारी सप नूं हथ पाउने आ, अग नूं हथ पाउने, जिंदगी अंदर उहनां कम्मां वल असी जाने आ जो साड़ी जिंदगी दे विच खतरनाक हुंदे ने, सुखदायक नहीं हुंदे, आउण वाली जिंदगी साड़ी लई जो माड़ा हुंदे ने। लेकिन जिवें सियाणी माँ रोकदी है, परमात्मा भी रोकदा है। जे नहीं रोकदा बच्चा तो माँ जिहड़ी है थोड़ा झिड़कदी है, चपेड़ भी मार दिंदी है। जदों असी वार वार गलतियां करदे हाँ, वार वार माड़े पासे जाने हाँ, तो फिर उहदे चों दुख पैदा हुंदे। वह दुख जिहड़े ने वह सानूं समझाउण लई ने, उन्हां विच भी रब की मेहर भरी पई है। सतगुरु जी ने कहा दुख दारू सुख रोग पया। ये दुख भी दारू हुंदे ने, पर मनुख इन्हां नूं दुख समझ लैंदा है, ये परमात्मा की क्रोपी समझ लैंदा है। वह परमात्मा तो कदी क्रोप हुंदा ही नहीं, वह तो दयालु है, कृपालू है। रवि प्यारे ने उहदा नाम रखिया दयाल, कृपाल, अरहीम, करीम, और बड़े बड़े प्यारे नाम, कि वह परमात्मा जिहड़ा है वह सदा ही बख्शंद है। सतगुरु साहब जी कहिंदे चंचल मत, बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै। इस बच्चे दी मत चंचल है, और ये सप नूं भी अग नूं भी हथ पा लैंदा है। मात पिता कंठ लाए राखै, आनंद सहज तब खेलै। जदों माँ प्यो इहनूं गले नाल लगा के रखदे ने, भावे दा ध्यान रखदे ने, इहदी देखरेख रखदे ने, उदों बच्चा जिहड़ा ना माँ प्यो की निगरानी विच बड़ा ऐन बेपरवाही दे नाल खेड़दा, उहनूं कोई खतरा नहीं रहिंदा। जिन्ना चिर बच्चा माँ प्यो की नज़र हेठ रहे, बच्चे नूं कोई खतरा नहीं है, क्योंकि माँ प्यो कोल ने। पर जदों बच्चा माँ प्यो दीआं नज़रां तों उल्ले हो जाए,
परे हो जाए मन मर्जी दे नाल ते बच्चे लिए खतरे खड़े हो जाते हैं। बच्चा अग नूं भी हाथ पा सकता है, बच्चा सप्प नूं भी हाथ पा सकता है। जिन्ना चिर बच्चा माँ प्यो की नज़र विच है उन्ना चिर आनंद दे नाल खेलदा है। जिन्ना चिर असी परमात्मा दीयां नज़रां विच रहिंदे सामने रहिंदे हां उन्ना चिर जिंदगी च आनंद नाल खेडांगे। परमात्मा दीयां नज़रां च रहिण दी गल सतगुरु जी ने कही है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ओ परमात्मा ने जो ये सिस्टम बनाया है उस रजा नूं उस हुक्म नूं समझ के उन्हूं खिड़े मत्थे प्रवान कर लेना, उहदे प्यार विच जीउणा, सदा ये समझना कि परमात्मा ही साडा प्रतिपालक है। गुरबाणी विच सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी ने गुरु की महिमा गायन करदे कथा बचन कहे ने कि ओ प्रभ की सरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुरु त्याया, प्रभ जीओ तू मेरो साहेब दाता। जदों असी गुरु को आने तो गुरु राही सानू यह सोझी मिलती है कि परमात्मा ही साडा मालिक है, परमात्मा ही साडा दाता है। गुरु सानू इस सोझी ये ज्ञान ये प्रगास दिंदा है। तो सतगुरु साहब जी कहिंदे गुरु राही जदों सानू यह सोझी हुंदी कि परमात्मा साडा प्रतिपालक राखा है, फिर बच्चा प्रभु दीयां नज़रां तो किते बाहर नहीं जांदा। जिन्ना चिर परमात्मा दे प्यार च जुड़े रहांगे आनंद दे नाल जिंदगी बतीत करांगे। जिवें बच्चा माँ प्यो दीयां नज़रां दे सामने रहे उन्हूं कोई खतरा नहीं, माँ प्यो बैठे ने उहदी रक्षा दे लई, पर जदों माँ प्यो दीयां नज़रां तो ओले होए उदों उहदे लई खतरे खड़े हो जांदे ने। इवें जदों असीं रब दी रजा च रहीए, रब दी चरण सरण विच जुड़े रहीए, उहदे प्यार च रहीए, उहनां चिर कोई खतरा नहीं है। गुरबाणी विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन कहे ने जिवें गरड़ मुख नहीं सरप त्रास, सूआ पिंजर नहीं खाए विलास, जैसे दानो चक्की माहे। जिवें गरड़ दी सरण लैण वाला जिहड़ा है ना उहनूं कहिंदे सप्पां दा कोई डर नहीं रहिंदा। जिहड़े लोग मंत्र पढ़दे कहिंदे गारड़ू मंत्र पढ़ के ते सप्प दी जहर उतार दिंदे ने। गरड़ नूं सप्पां दा राजा कहा गया। गरण मुख नहीं सरप त्रास, सूआ पिंजर नहीं खाए बिलास। सूआ कहिंदे तोते नूं, तोता पिंजरे च होए तो उन्हूं कोई खतरा नहीं बिल्ली दा, बिल्ली खा ही नहीं सकदी पिंजरे विचले तोते नूं। जैसे आंडो हिरदे माहे, जैसे दानो चके दराहे। जिवें आंडा जिहड़ा मुर्गी दे पेट विच ते उन्हूं कोई खतरा नहीं है, जदों पेट तो बाहर आया खतरे ही खतरे ने। जिवें दाने किली दी चक्की दी किली नाल जुड़े रहण उन्हां नूं कोई खतरा नहीं है। जदों चक्की दी किली तो लांबे होए वो दो पुड़ां दे विच पिस जाणगे, आटा बन जाणगे। इवें जिन्ना चिर असी परमात्मा दी चरण सरण विच हाँ उन्हां चिर कोई दुख नहीं व्यापदा। गुरु की अमृत बाणी कहिंदी ताती वाओ ना लगई, पार ब्रह्म सरण आई, चौगिरद हमारे राम कार, दुख लगे न भाई। जिन्ना चिर असी परमात्मा दी सरण विच हाँ उन्हां चिर दुखां दी तत्ती वाह नहीं लग सकती, दुख नेड़े ही नहीं आ सकता। सरण दा अर्थ है उस रब दे प्यार च प्रभु दे प्यार जीउणा। ते गुरबाणी सानूं वाहिगुरु जी दी चरण सरण विच ही जुड़दी है। परमात्मा ने मनुख दे लई हर चीज़ बनाई है, हर मनुख नूं हर सुख दित्ता है, उहदे लई हर साधन बनाया है। असी जिंदगी ते किवें सुख मानणे, इहदे साधन परमात्मा ने बनाए ने, पर इस जीव नूं उहदी रजा दा पता लग जाए। जिन्ना चिर उहदी रजा दा पता नहीं है आपां देखदे बहुत कुछ मनुख दे कोल है, सोहणे घर ने, सोहणियां गड्डियां ने, आउण जाण खाण पीण दे बड़े साधन ने, पहनण दे लई बड़े बड़े सोहणे कपड़े ने, वड्डे वड्डे कारोबार ने, कोई राज गद्दियां ते बैठे ने, लेकिन मनुख फिर भी बड़ा परेशान है, फिर भी बड़ा दुखी है। उहदा कारण यह है कि वह जिवें माँ प्यो तो पासे जा के कोई बच्चा जिहड़ा है ना वो होर ना पदार्थां दे राहीं अपनी भुख मिटाउणा चाहे, लेकिन माँ दे दुध तो बिना भुख नहीं मिटनी। जिवें कोई बच्चा माँ प्यो तो दूर जा के अपनी मर्जी नाल सुखी होना चाहे, माँ प्यो की नज़र विच है तो माँ प्यो तो उहदे दुख सुख नूं जाणदे ने, उहनूं बचा भी सकदे, समझा भी सकदे ने। सतगुरु साहब जी कहिंदे इदां ही जिन्ना चिर असीं वाहिगुरु जी की चरण सरण विच रहांगे परमात्मा साडा रखवाला रहेगा। जिदा रखवाला परमात्मा है उन्हू दुख किस चीज़ का है? जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। सतगुरु जी अगे कह रहे ने
कि वह परमात्मा जिहड़ा है जिन्ना चिर उहदे असी चरण सरण चा कंठ नाल लगे हाँ आनंद नाल खेडदे रहांगे। जिसका पिता तू है मेरा स्वामी तिस बारक भूख कैसे। हे वाहिगुरु जी, जिस मनुख दे पिता तुसी हो, व्यक्ति दे पिता तुसी हो, उहनूं भुख कदी है। देखो वाहिगुरु ते सारिआं दा ही पिता है, पर सारे वाहिगुरु नूं अपना पिता समझदे तां नहीं ना। हर को बंदा अपनी मर्जी अनुसार ही जीव रहा, उहदी सोच वक्री वक्री है। पर जिसने ये समझ लिया कि वाहिगुरु ही मेरा पिता है, माता है, उस मनुख नूं भुख कदी है। हुण वाहिगुरु जी वर्गा साडा मां प्यो होवे जिहड़ा सर्व कला समर्थ है, सर्व वस्तुआं दा मालिक है, जिहड़ा करण भंजन हार है, जिहड़ा इस सृष्टि नूं छिन में रौ रंग कर डारे, करी रौ रंग कर डारे, खिन में भरे भरे सखनावे जिह तांको व्यवहारे, जो इन्नी समर्था वाला परमात्मा है, जिहड़ा कीड़ा थाप दे पात से लश्कर करे सुवा, जो इन्नी समर्था वाला साडा ओ परम पिता परमात्मा है, शीयां बाजां चरगां कुईयां थली करे असगा, जिहड़ा शीयां बाजां चरगां कुईयां दा अर्थ के जिहड़े मासाहारी ने जानवर, उन्हां नूं ओ घा खाण लई मजबूर कर सकदा है, और जिहड़े शाकाहारी ने उन्हां नूं मासाहारी बना सकदा है। जिथे पाणी है उत्थे धरती बन सकदी है, जिथे धरती है उत्थे पाणी हो सकदा है। धरती ते दुरदियां नूं परमात्मा आकाश जिन्ने उच्चे कर सकदा है, जिन्हां दी गुड्डी आकाश ते चढ़ी ओह धरती दे डिग के कखन तों हौले हो सकदे ने, उहदी नज़र है। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे जिहड़ा उस परमात्मा दी नज़र च आ गया, उस मनुख नूं डर कहदा है। जिवें कोई शेर दी शरण च आ जाए तो उहनूं गिदड़ां दा कारा डर है, कोई सूरज दे सामने आ जाए तो उहनूं हनेरे दा कारा डर है। जिहड़ा परमात्मा दी चरण सरण च आ जाए, परमात्मा दी नज़र च आ जाए, सतगुरु जी कहिंदे उहनूं भुख कदी रह जाती है। हुण परमात्मा जिहड़ा सारी दुनिया दीआं भुखां नूं मिटाउण वाला है, इस करके सतगुरु जी ने कहा सी कि साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाईआं। जिन्हें वाहिगुरु जी दे नाम नूं अपनी जिंदगी दा आसरा बना लिया, उहदी जिंदगी च कोई भुख नहीं रह जाती, कोई तोट नहीं रह जाती। एक भुख नहीं है कोई कि कल्ला रोटी खाण दी भुख है, जां पेट दी भुख है, मनुख दी अखियां दी भुख है, कन्नां दी भुख है, मनुख दे अंदर एक तृष्णा बैठी हुई है, वह भुख है। पर साहब कहिंदे जिहदा मालक परमात्मा बन गया ना, तिस बारक भूख कैसे, उस बच्चे नूं किस तरह पई भुख लगेगी, फिर भाव भुख सताएगी नहीं। नव निध नाम निदान गृह तेरै मन मान छै सो लैसे। उस बच्चे नूं पता है कि परमात्मा दे घर च सारियां ही बरकतां ने, परमात्मा दे घर च नौ निधियां, अठारह सिधियां, जो कुछ धरती दे खजाने ने परमात्मा दे घर च ने, ते जो चाहे वह प्राप्त कर लैंदा। एक असी बचन पढ़ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। सतगुरु जी दे इक थां ते होर बचन, जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायण। हुण रब दे प्यारे नूं ते मंगण दी लोड़ ही नहीं रह जांदी। हुण एक बच्चा है, राजकुमार है, वह हुण राजकुमार नूं पता है कि जिहड़ा राज भाग मेरे बापू दा मेरा ही है। जिथे जाए उहनूं हर सहूलत मिल सकदी है, एक राजकुमार नूं राज दे अंदर जिथे जाए हर सहूलत मिल सकदी है, उहनूं मंगण दी की लोड़ है। गुरबाणी साडी सोच नूं इस पद्धर ते लिजाणा चाहुंदी है कि असी उस वाहिगुरु जी दे बच्चे हाँ, वो वाहिगुरु जी साडा मां प्यो है। जे ये सारी धरती परमात्मा दी है, सारे पदार्थ परमात्मा दे ने, ये सारी सृष्टि परमात्मा दी है, फिर सानू मंगण दी की लोड़ है। असी जिथे जावांगे सब कुछ साडा ही है। और जिहड़े रब दे प्यार च जुड़दे ने, वो ते नेते गाउंदे कि वाहिगुरु जी जां तू मेरे वल है तां क्या मोछन दा, तुद सब कुछ मैनू सौंपे आ, जां तेरा बंदा लखमी तोट न आवे, खाय खर्चर हंदा लख चौरासी मेदनी, सब सेव करंदा ए वैरी मित्र सब कीते आने, मंगे मंदा लेखा कोई न पुछे ही जा हर बख्शन दा। जदों वाहिगुरु जी तुसी मेरे वल हो ते मैनू किहदी मुथाजगी है, जिहदा पिता परमात्मा उहनू कहदा डर है, जिहदा दाता परमात्मा उहनू कहदी चिंता है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे ने कि जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निधान गृह तेरे मन बांसे छो लैसी।
वाहिगुरु के घर च सारिया रिधियां सिधियां बरकत खजाने ने। जो रब का बच्चा है जिन्हों पता है कि रब मेरा पिता है वो तो जो चाहे रब पासों लै लेंद वो जिंदगी दे अंदर अवस्था यह जी बन जाती है कि उन्होंने किसी चीज़ की घाट ही नहीं आती। पिता कृपाल आग्या ए दीनी बारक मुख मांगै सो देना। वो वाहिगुरु जी बड़ा कृपालू है। देखो दुनियावी तौर पर भी माँ प्यो ने बच्चियां नू पालदे ने, पर जरूरी नहीं है कि सारे प्यो जड़े ने वह कृपालू ही होण, दयालु ही होण। बहुत इहो जे पत्थर दिल भी प्यो हुंदे ने। जरूरी नहीं है कि हर माँ जिहड़ी है उहदे अंदर ममता ही होवे। सिर्फ बच्चे नू जन्म देण नाल ही कोई माँ जां प्यो नहीं बन जांदा। ये ठीक है कि पहला पड़ा है सानू कुदरत ने यह वड्याई दिती है, एक बहुत वड्डी वड्याई है कुदरत वालों। जिस घर दे विच बाल बच्चे खेडदे होण ये वाहिगुरु जी की बहुत वड्डी वड्याई है, जिम्मेवारी है, कोई निकी जी गल नहीं है। बच्चों के माँ प्यो होना कोई मामूली घटना नहीं है। ये गल वक्री है कि जिन्हां लोगों इस महान का तो पता नहीं, वह भगौड़ा बन गए गृहस्थों, वो जंगलों अंदर जा बैठे, अपनी जिम्मेवारी तो भज गए। मनुख की सब तो पहली जिम्मेवारी यह है कि इस मनुखी सभ्यता बचाना अगे वधाउणा। ये जो मनुखी सभ्यता है रब ने मनुख नूं इस धरती की जिम्मेवारी दिती है। धरती का मालिक इस मनुख मनुख है। होर पशुआं ने अपनी ड्यूटी करनी है, बाकी आपो अपनी थां ते ने, पर इस धरती नूं सवारना, इस धरती नूं संभालना यह मनुख की जिम्मेवारी है। पर आप देखते हैं कि मनुख नूं अपनी जिम्मेवारी का पता ही नहीं है। हुण मनुख तो कहिंदा सिर पहाड़ वढ वढ़ के वेचना ही मेरी ड्यूटी है। वड्डे वड्डे तुसीं देखदे ने साडे आसे पासे इहो जिहे सप बैठे होए ने जिहड़े दरिया ही वढ वढ़ के वेची जांदे। वड्डे वड्डे उहनां दे टिप्पर तुसीं जांदे देखो, सड़कां तुरी चले जांदे ने। उह सोचदे कि वढ वढ़ के दरिया वेच लो, वढ़ वढ़ के पहाड़ वेच लो ते माया इकट्ठी कर लो, साडी इही ड्यूटी। हालांकि उहनां नूं समाज ने लोगां ने ड्यूटी दित्ती है अपने इन्हां कुदरत दे स्रोतां नूं संभालण दे लई, पर वह बजाए दे कि अपनी ड्यूटी करन, उन्होंने सगो ड्यूटी दे विच अपने बेईमानियां करनियां शुरू करतीयां। कुदरत कदी भी मनुख दा बुरा नहीं सोचती। कुदरत साडी माँ है। असी रोज कहने कि पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दो दाई दाया खिल है सगल जगत। ये पौण तो गुरु की न्याई है। जिमें गुरु जिहड़ा साडे जी दा रखवाला है, गुरु करके साडा जी दा जीवन चलता है। इवें साडी आ जिंदगी पौण करके चलती है, हवा करके चलती है। पाणी पिता जिमें पिता जिहड़ा है ना वह देखो बच्चियां नूं पालदा है, इवें यह पाणी जिहड़ा सारी जीवन नूं पालदा है। पाणी पिता है जगत का। पाणी दे नाल ही देखो ना अन्न पैदा हुंदा है। पाणी दे नाल ही अन्न दे नाल ही साडी जिंदगी चलती है। पाणी पिता दी न्याई है। माँ जिहड़ी देखो बच्चे की गंदगी बच्चे नूं चुकी फिरदी अपनी गोद विच, और फिर बच्चे नूं दी गंदगी नूं भी संभालदी है। बच्चा कई बार उहनूं भी गंदियां कर दिंदा है, माँ उहनूं फिर भी संभालदी है। यह धरती जिहड़ी है साडी वड्डी माँ है। माँ सानू चुकी फिरदी है, साडे गंद नूं भी संभालदी है। यह धरती माँ असीं कितना गंद पाउने धरती दे। यह प्रकृति जिहड़ी है साडी माँ प्यो है, साडी रखवाली है। पर मनुख की बिरती कुछ इहो जी बन गई कि मनुख इस प्रकृति की वड्याई नूं समझ ना सकिया, इन्हें प्रकृति की विरोधता करनी शुरू करती है। उदा ही जिदा अजकल साडे समाज इहो जे लोग ने अपनियां मावां नूं कुटना शुरू कर देंदे ने, कई अपने प्यो नाल लड़ना शुरू कर देंदे ने। बड़ियां घटनावां ने इहो जिहियां वापरदियां समाज के अंदर, इत्थों पैदा हुई घटनावां। साडा समाज कुछ इहो जिहा बन गया, असी समाज की बणतरी इहो जी कुछ बना ली है। इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे कि ओ परमात्मा साडा माँ प्यो है ते ओ ते इन्ना कृपालू है। परमात्मा कोई इदां दा नहीं है जिदां दा असीं बना के दसदे कि परमात्मा तैनूं सज़ा देवेगा, परमात्मा तैनूं नरकां दी अग विच साड़ेगा, परमात्मा तैनूं माफ़ नहीं करेगा। इदां दा धार्मिक लोगों ने डराया है रब दे नां ते लोगों नूं। रब डरावना नहीं है, रब ते बहुत दयालू है। वह इन्ना दयालू है वो साडे औगण देखदा है। गुरबाणी का वचन है कि वह औगण को ना चितारदा, वह किसी तरह के साडे औगण नूं चितारदा नहीं है। मिठ बोलड़ा है, वह मेहरबान है, वह बख्शंद भी है।
ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਏ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਏ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਪਿਓ ਪਾਸੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਜੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਿੰਦਾ ਦੇਹ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆ ਕਿਆਰੀ ਹੋਏ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਰਾਹ ਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਲਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਫ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਤ ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖ ਸਮਾਇਆ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਉਦੋਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੱਜੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੁਖੀ। ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਵੱਲ ਪਈ ਹੈ।
अचनचेत नज़र पै गई उत्थे एक जोबनवती बीबी खड़ी है। उन्हें सोचा कि फकीर खरे मेरे वाल देखता है। अमीर घराने दी सी अपने पति नूं कहण लगी आओ नहीं एक तुरिया जांदा मुछटंडा जिहा फकीर वो तां नूं मूँह करके मेरे वाल देख रहा सी। ते उसने भी अपने राजमद विच गल सोची नहीं समझी नहीं डंडा चुकिया भज्जा आया और पौड़ियां उतरदियां भज के उस फकीर नूं कुटना शुरू कर ला चौंक धा ता ऐ कुट कुट के निडाल कर दिता। फकीर ने बथेरे वास्ते पाए वो मेरा कसूर की है मैं तो अपनी मौज में तुरिया जा रहा। लेकिन कहन लगा कि तू देखदा है दूजियां दियां इस्त्रियां वल देखदा है। फकीर नूं कुट के उह तुर पिया काली काली च भजदियां पौड़ी चलन लगा पौड़ी डिग के उहदी लत्त टुट गई सट खतरनाक लग गई मरण कंढे तुर पिया। ते उह बीबी फिर आ के रोंदी है दुनिया कहन लगी इहनूं इह फकीर दी हाह लग गई बिना ही कारण तो फकीर नूं कुटिया। ते उह बीबी जिहड़ी है ना फिर फकीर को आके फरियाद कर दी कि फकीरा बख्श लै गलती हो गई मेरे को। ते फकीर ने एक गल कही बई बेबा ये तेरा खसम तेरा घर वाला तेनू कोई माड़ी गल लगी तू शिकायत लाई उन्हें वधिया नहीं लग्या उन्हें लिया के मैनू कुट दिता ते मेरा भी तो खसम है ये तो खसमा खसमा की लड़ाई है मैनू विच ना वार होने मालकां की लड़ाई है। परमात्मा भगतां दा मालक है रब दे भगतां नूं जे कोई दुख मिलदा है तो परमात्मा दुखी गुरबाणी कहिंदी जे असीं रब दे बच्चे बन जावांगे ना बच्चे तो कोई माँ प्यो अपने बच्चों नूं दुखी देख ही नहीं सकता। कोई माँ प्यो देखो बच्चा गलतियां भी करे माँ प्यो कोई अग थोड़ो साड़दा बच्चों नूं माँ प्यो दियां गलतियां च उन्हें समझा के उन्हें फिर भी चंगे मार्ग ते पाउणा चाहुंदा है फिर भी उन्हें सुख देना चाहुंदा है। सतगुरु जी कहिंदे साडा परमात्मा इवें साडा पिता माता है भाई उन्हें तो ये एक निजाम बना दिता सिस्टम बना दिता कि बारक मुख मांगे सो देना बच्चे नूं जो चाहिए वह मिलेगा पर जे बच्चा होए आज्ञाकारी होवे नानक बारक दर्स प्रभ चाहे मोहे हिरदे बसै नित चरणा। जिमें एक बच्चा है ना माँ की गोद विच हुण बच्चा माँ दे आसरे ते है माँ दे दुध दे आसरे ते। सतगुरु जी ने गल इत्थों शुरू की सी खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रहण ना जाई। जिमें बच्चा दुध दे आसरे ते रहिंदा है बच्चा कि बाहर चले जाए ना इधर उधर तो वह किसी चीज़ के नाल रजेगा नहीं उसकी भुख नहीं मिटेगी उन्हें माँ का दुध ही तृप्त कर सकेगा भावें तुसी जो मर्जी उन्हें दो वह किसी चीज़ को प्रवान नहीं करेगा। जदों कोई व्यक्ति परमात्मा के आसरे ते रहन लग जाए ना परमात्मा के आसरे ते जदों बच्चा बन जाए फिर होर चीज़ा नहीं मंगता फिर होर किसी पासे नहीं जाता उन्हें केवल इको ही एक भुख होंदी है। जिमें बच्चे दुध की भुख है इवें रब दे बच्चे केवल इको एक भुख है रब के दर्शनों की भुख वो रब के दर्शनों तो बिना जियो ही नहीं सकता। गुरबाणी विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन कहने चातरक चितवित बरसत मेहे कृपा सिंध करुणा प्रभ धारो हर प्रेम भगत को ने। अगे सतगुरु जी ने एक बचन के आन उपावना जीवत मीना बिन जल मरना तेह मच्छी जड़ी है किसी उपा नाल जीवंदी नहीं रह सकती पानी तो बिना वह मरती है। बच्चा जिहड़ा किसी उपा नाल माता दे दुध तो बिना तृप्त नहीं हुंदा तिवें रब का प्यारा जिहड़ा है ना वह किसी चीज़ नाल तृप्त नहीं हुंदा। जिवें धरती ते बड़ा पानी है समुद्र भरे पए ने दरिया भरे पए ने तालाब सरोवर झीलां भरियां पईयां ने पर चातरक चितवत बरसत में चातरक जिहड़ा है उहदी प्यास उहदी तृप्ति केवल वर्खा की बूंद नाल ही हुंदी है वह वर्खा की ही जाचना करता है होर कोई चीज़ नहीं। कोई कहे कि इतों कि छप्पड़ चो पानी पी लै समुद्र चो पानी पी लै झील सरोवर चो किते प्रवान नहीं करेगा। बिल्कुल इस तरीके रब का जिहड़ा प्यारा है उहनूं इह ते है कि जो चाहे वह मिल सकता है पर वह मंगदा की है कि नानक बारक दर्स प्रभ चाहे मोहे हिरदय बसै नित चरणा। रब दा प्यारा नित इको ही अरदास करता है कि वाहिगुरु जी मैनू तुहाडे दर्शनां दी ही भुख है मेरे हिरदे च तुहाडे चरण वस जाण। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने बचन कहने कि ज्यों मीना विण पाणी है क्यों जीवन पावै बूंद विहूणा चातरको क्यों कर तृप्तावै भवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावै नाद करंके बेदया सनमुख उड़तावै
त्यों संत जना हर प्रीत है, देख दर्श अगावे। जिवें मच्छी पानी तो बिना नहीं तृप्त हो सकती, रज नहीं सकती, जीव नहीं सकती, कंडे हेड़े दे नाद नूं सुन के हिरन रह ही नहीं सकता, जिवें चात्रक जिहड़ा बूंद तो बिना नहीं जीव सकता, भौरा जिहड़ा है जिवें फुल दे वल ही खिंचिया जांदा है। रब दे प्यारे केवल रब्बी दर्शनां दी खिच विच ही जीउंदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गल शुरू कीती सी कि परमात्मा साडा पिता है, असीं उहदे बच्चे हाँ, परमात्मा साडा दाता है, असीं उहदे जाचक हाँ, और वह परमात्मा जिहड़ा है असीं अनेकां गलतियां करदे हाँ, पर जिवें माँ प्यो नहीं अपने बच्चे दीआं गलतियां माफ़ करदे, परमात्मा साडीआं गलतियां नूं अंडिठ करदा। परमात्मा तों बिना साडा आसरा कोई नहीं है, कोई थां नहीं है। जिवें बच्चा जदों दुध दे आसरे ते हुंदा है, माँ तो बिना वह तृप्त नहीं हो सकता, माँ उन्हू चुकती है, गोद विच लैंदी है, उहदी भुख मिट जांदी है। तिवें जदों कोई मनुख परमात्मा नूं अपना माँ प्यो समझ लए, वह माँ प्यो परमात्मा की दात तो बिना वह बच्चा तृप्त नहीं हो सकता, दर्शना तो बिना तृप्त नहीं हो सकता, वह परमात्मा की चरण शरण विच रह के ही आनंदित हुंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन कहे कि परमात्मा माँ प्यो है, दयालु है, कृपालु है, साडियां भुल्लां परमात्मा ही माफ़ कर सकता है। ये ठीक है, मनुख ज्ञान ना होण करके कई पासे तुरिया फिरदा है। तो आपां सुणदे आ फलाणा जी बड़ा वधिया कारोबार सी, वह फलाने फकीर दी करोपी हो गई, फलाने देवते दी करोपी हो गई, दुनिया डरदी मत्थे टेकी चली जाती कि फलाना नाराज ना हो जाए, फलाना शराफ ना दे दे, और दुनियावी साध भी डरा डरा के मत्थे टिकाई जाते ना गए तो कहते बाबा जी नाराज ही ना हो जाए। परमात्मा नाराज नहीं होता, परमात्मा बड़ा दयालु है। सानू साडे सतगुरु जी ने इसे करके कहा किसी साधु को जान की लोड़ नहीं, किसी डेरे ते जान की लोड़ नहीं, किसी कबर ते जान की, किसी फकीर को, किसी भूत प्रेत को डरन की लोड़ नहीं, केवल तो केवल वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय। उस परम पिता परमात्मा के गुण गाया करो, उस परमात्मा का आसरा लो, परमात्मा नूं अपना माँ प्यो समझ लो। परमात्मा ने साडी प्रतिपालना करनी है और उहदे तों बिना साडी जिंदगी दे दुख दूर होने नहीं है। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु के ये पावन पवित्र बचन साडियां हिरदियां च वसण जी, इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां, पुल चुक दी खिमा बख्श देनी, गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी समूह संगतां नूं दरों करों नाम बाणी का प्यार बख्श के कृतार्थ करन जी, प्यार सत सारे ही प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।